तो देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डाउट में अभी स्टूडेंट ने भेजा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। इस क्वेश्चन में देखिए, एक बॉटल है, इसकी ओपनिंग है रेडियस ए, ध्यान देने वाली बात है, लेंथ है बी, ये बॉटल का जो नेक है एक्चुअल में, ठीक है, आपके पास एक कॉर्क मतलब एक ढक्कन है जो इसके अंदर फिट करना है। इसकी लेंथ तो बी है लेकिन रेडियस थोड़ी सी ज़्यादा है, ए प्लस डेल्टा ए, ठीक है, डेल्टा इज वेरी वेरी लेस देन ए, इस कंप्रेस टू फिट इन टू द ओपनिंग कंप्लीटली। इसको कई लोग समझ नहीं पा रहे क्या है, देखिए एक्चुअल में ये नेक है जो ये कॉर्क है, इसकी रेडियस इससे थोड़ी सी ज्यादा है, माइनर, आप समझिए इसको, थोड़ी सी रेडियस ज्यादा है ये कॉर्क, ठीक है, लेंथ इक्वल है बी बी, इसको इसमें फिट करना है। तो फिट करने के लिए सबसे पहले तो आपको इसको थोड़ा सा ऐसे कंप्रेस करना पड़ेगा, ऐसे, तो एक नॉर्मल फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। जब ये इसके अंदर जाएगा तो ये नॉर्मल फोर्स यहां भी लगेगा ऐसा, ठीक है। तो जब आप फ्रिक्शन कैलकुलेट करेंगे तो म्यू इंटू एन होगा, माने आपको ये नॉर्मल फोर्स लगाना है जो इसको इतना कंप्रेस करे। अब ये नॉर्मल फोर्स आप कैसे निकाल सकते हैं, तो एक्चुअल में जब आप इसको कंप्रेस करेंगे तो थोड़ा सा इसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ठीक है, तो वो वॉल्यूम डिक्रीज ही आपको निकालना। दूसरी चीज ये है कि ये जो कॉर्क आपको दिख रहा है इसका शेप सिलेंड्रिकल है, ये आप ध्यान रखें, तो जब आप एरिया निकालेंगे तो नॉर्मल यहां यहां लगेगा, यहां ऊपर नीचे नॉर्मल नहीं लगेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जब आप यहां पे स्ट्रेस निकालेंगे, स्ट्रेस तो फोर्स होगा नॉर्मल इनटू एरिया, तो एरिया ये पूरा, ये पूरा सिलेंडर का ये आउटर एरिया, तो ये एरिया आपको पता ही है कितना होता है, ये एरिया होता है 2 पाई आर, आर यहाँ पे है ए, इनटू होगा बी, ये तो ये आपके पास स्ट्रेस आ जाती है इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रेन क्या होगी, जब ये कॉर्क पूरा इसके अंदर चला जाएगा, बिल्कुल फिट हो जाएगा, ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा, तो वॉल्यूम में जो चेंज आता है जिसको अपन कहते हैं डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम, ये कैसे निकालें, तो ये निकालने का आसान तरीका होता है एरिया, तो एरिया होगा कितना 2 पाई, ये एरिया 2 पाई ए बी एरिया इनटू चेंज, तो चेंज कितना होगा डेल्टा ए, तो ऐसे आप डायरेक्ट जो है चेंज इन वॉल्यूम निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में एरिया में तो चेंज हो नहीं रहा, सिर्फ इसमें चेंज हो रहा रेडियस में, तो ये आसान तरीका। दूसरी चीज़, इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम तो जो भी सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वही फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, पाई, ठीक है, पाई ए स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर मतलब ये वाला, इंटू बी, ठीक है। यहां पे एक चीज आपके दिमाग में आ सकती है कि यहां पे पाई ए प्लस डेल्टा है, तो इसमें दिया गया डेल्टा इज वेरी स्मॉल, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यूज करना है। अब देखिए फॉर्मूला क्या है अपने पास, फॉर्मूला होता है स्ट्रेस इज इक्वल टू बी, बी माने बल्क मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, इसमें आप पुट करेंगे तो स्ट्रेस आपके सामने है कितनी, एन अपॉन 2 पाई ए बी, बी इंटू स्ट्रेस, स्ट्रेस होगी कितनी डेल्टा वी, डेल्टा वी कितना आ रहा है 2 पाई ए बी डेल्टा ए अपॉन पाई ए स्क्वायर बी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, देखिए यहाँ से ये पाई से जो है पाई कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ से देखिए ये बी कैंसिल हो रहा है, ए स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे जो है ये ए बचेगा और ये ए से कैंसिल हो रहा है, मतलब ए टोटल कैंसिल हो गया, ये 2 इंटू 2 तो 4 हो जाएगा, यानी फाइनली अपने पास आ रहा है एन इज इक्वल टू बी, बी बल्क मॉडुलस है, ठीक है, ये पाई बच रहा है और ये 2 तो 4 हो गया, 4 पाई, ये बी बच रहा है इनटू डेल्टा, तो देख सकते हैं आप एन आ गया है आपके पास, ठीक है।
अब फ्रिक्शन में कन्वर्ट करने के लिए बस म्यू और इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो फ्रिक्शन अपने पास हो जाएगा म्यू बी, ठीक है भाई, 4 पाई बी इंटू डेल्टा ए, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, फ्रिक्शन कितना लगेगा। ठीक है, तो ये एन इसको कंप्रेस करने में यूज होगा, और जो एन होगा वो ये इस पे लगेगा, इस कारण आपको इतना फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसमें कोई दिक्कत हो, अभी भी कुछ समझ में आने में दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, नीट जेई जेई एडवांस जैसे क्वेश्चन में ये रिपीट हो सकता है।